बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। चोरों का आतंक, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। बुलंदशहर में चोरों का आतंक, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। सगे दो भाइयों के घर में हुई लाखों की चोरी। परिवार के सभी सदस्य ग्रेटर नोएडा अपनी बहन के यहां गए थे शादी समारोह में। ग्राम प्रधान ने दी थी परिवार के सदस्यों को फोन पर चोरी की सूचना। चोरी की सूचना पर दौड़ा परिवार पुलिस की गश्त को। चोरों ने दी चुनौती। मेरठ बदायूं हाईवे पर ही बने मकान में चोरों ने बोला धावा। क्षेत्रीय पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। कार्यवाहक क्षेत्राधिकारी मधुक सिंह ने मौके का किया निरीक्षण। पूरा मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ का है। मैं आप कहां के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहित चौहान, ग्राम प्रधान फतेहगढ़। जी, आपके गांव में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला है कि ये चोरी पहले तो रोड पर हुई है। ये दोनों भाई थे, दोनों भाई अपनी बहन की सगाई ले उसके क्या नाम भात लेके यहाँ गए थे नोएडा। अब किसी ने इनके पीछे चोरी की है और उसमें ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास चार साढ़े चार के आसपास कॉल आई गाँव के प्रधान जी एस पर, यहाँ पर चोरी हो गई है और आप मौके पर आओ। मैंने मौके पर आकर देखा, फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा और वो मौके पर आए और आगे जाँच वास्तव के लिए। उसके बाद अभी फॉरेंसिक टीम साहब जाँच चली रही है। जब कोई लिखित में शिकायत दी अभी तक? लिखित में शिकायत नहीं दी, अब देंगे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस पूरी कार्रवाई करेंगे। हाँ मैं आपका, आपके यहाँ गाँव में चोरी, आपके घर चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या क्या चोरी हुआ है? मेरे यहाँ दो सिलेंडर, चूल्हे, LCD, बैटरा और पैसे। कितने पैसे हैं? 1,00,000। दुकान का सामान लेके आया है। 1,00,000। आप कहाँ गए थे सब लोग? नंद की शादी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, फतेहगढ़ से। अच्छा, आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या चोरी हुआ, क्या है पूरा मामला? मेरे घर सारे ले हुए थे, दो सिलेंडर, चूल्हा, रजाई गद्दे, 1,00,000 रुपए, बस यही गया हुआ फिलहाल। तो सोने चांदी का जेवर कुछ ना? सोना चांदी का ना है। किसी पर आपको शक? फिलहाल तो कोई शक ना, लेकिन अभी देख रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको कैसे पता पड़ा जब आप यहाँ कोई घर पे कोई नहीं था, तो आपको कैसे पता पड़ा? हमारे वो सड़क वाले जो दूसरे घर पे चोरी हुई थी, वहाँ पड़ोसियों ने बताया। अच्छा, आपने पुलिस को कोई लिखित तहरीर दी है? प्रधान जी ने फोन करा मेरे पास। आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या पूरा मामला, किस तरह घटना हुई है और आपको कैसे सूचित किया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा? देखो, सुबह से पुलिस आई हुई है और प्रधान जी ने हमें सुबह 4:30 बजे फोन किया कि आपके घर में चोरी हो गई है और जल्दी आ जाओ, हम भात लेके नोएडा गए थे ओडी गाँव। यहाँ आके देखा सब ताले खुले हुए और सामान पर खड़ा हुआ था। सामान जो भी था घर में, चीज, पैसे, कपड़े लगते सब कुछ। कितना लगभग, कितना अनुमानित, कितने लाख की चोरी होगी आपके? करीब 2-2.5 लाख। चीज़ें क्या क्या थी इसमें? चीज़ 2 अंगूठी, 1,00,000 और बाकी, हाँ 1,00,000, 2 अंगूठी और पीतल के बर्तन। आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? पीतल के तो सारे बर्तन ले गए, मेरी दो जोड़ी पजेब थी हो गई, अंगूठी लग गई और मेरे भांजियों की शादी बनी। आपको कैसे सूचना मिली चोरी हो गई आपके यहाँ? 4:10 बजे हो रही थी, हमारे प्रधान द्वारा सूचना मिली हमारे लिए। क्या कहा? ये बोले कि आपके घर में भाई के घर पे चोरी हो गई, देवर के पास फोन पहुँचा। आप कहाँ थे उस समय? घर हाँ, पे कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, यहाँ भी नहीं और देवर के यहाँ भी नहीं। अच्छा, दोनों घरों में चोरी हुई है? दोनों में मतलब हुई है। पल्ला वाला घर से सर 1,00,000 रुपए और 2 लड़कियों की चीज़ एक लाख बीस हजार रुपया है। आज लेने आते दोनों भाई, लेकिन इसी वजह से नहीं लेने आ पाए, चोरी हो गई, इतने वहाँ से भाग के आ गए।